लखनऊ में हुए अलाया अपार्टमेंट को लेकर पुलिस कमिश्नर एसपी सिरडकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक्सपर्ट का ये मानना है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, सर्वाइव अंदर होने की उम्मीद बहुत कम है। और एक महिला शबाना नाम की है, वह भी नहीं मिली है। उनको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 36 से 48 घंटे रेस्क्यू चलने की उम्मीद है। अस्पताल में एडमिट लोगों की स्थिति ठीक है। कुछ लोग सकुशल अपने घर चले गए। जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें दो जमीन के मालिक और एक बिल्डर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, सर्वाइवर्स अंदर होने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मिराकल्स हमेशा हो सकते हैं। एक महिला जो है शबाना जिनका नाम है, वो अभी भी मिली नहीं है। तो वो उनका उनके परिवारजनों के अनुसार उनका लोकेशन जिन कमरों में था, उन कमरों को देखा गया है बड़ी मशीन से, लेकिन अभी वहाँ पर उनका लोकेशन मिला नहीं है। तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग के और पार्ट्स में होंगी।